नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षक दिवस पर चीफ प्रोडक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा को किया सम्मानित। बरेली अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर बरेली कॉलेज की चीफ प्रोडक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा एक्सीलेंस टीचर्स अवार्ड के लिए चयनित होने पर सम्मानित करने का कार्य कॉलेज प्रखंड में किया गया। इस अवसर पर जिला महिला अध्यक्ष अंजू अग्निहोत्री ने कहा, इस सम्मान से महिलाओं में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा का संचरण होगा। मानव अध्यक्ष कौशल सारस ने कहा, हमारा संपूर्ण समाज गौरवान्वित महसूस करता है तथा ऐसे प्रतिभाओं के सम्मान से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे समाज का समग्र विकास होता है। जिला अध्यक्ष गजेंद्र पांडे ने कहा, शिक्षक संपूर्ण समाज का विकास करता होता है। उसके कार्य कर्तव्य क्रियाशीलता सक्षम समाज का निर्माण करता है। अतः शिक्षकों को अपनी क्षमता का उपयोग सभ्य कुशल जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए करना चाहिए। डॉक्टर वंदना शर्मा ने इस अवसर पर कहा, चयन होना निश्चित रूप से गर्व का विषय है। उससे ज़्यादा गर्व का विषय यह है कि जब अपने लोग, समाज के लोग, शहर के लोग तथा जागरूक लोग प्रोत्साहित करते हैं, तब और ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ऊर्जा व उत्साह मिलता है। मैं अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा का इस अवसर पर सम्मानित करने के लिए हृदय से आभार व धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में गजेंद्र पांडे, कौशल सारस्व, अंजू अग्निहोत्री, महेश चंद पाठक, सूर्य कुमार अग्निहोत्री, योगेश शर्मा, अंत में डॉक्टर वंदना शर्मा ने समस्त अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा व पत्रकारियों का धन्यवाद किया। देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और उनके सम्मान करने से निश्चित ही मेरा अपना सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। और जब हम एकजुट होकर किसी कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, उन्नत होते हैं, तो इस तरह के सम्मान या इस तरह के क्षण आपको एक विशेष उत्साह दे जाते हैं कि जिस पथ की ओर आप अग्रसर हैं वो सही है और उस दिशा में निरंतर आपको प्रयासरत रहना है। तो मैं बहुत आभारी हूँ संगठन के सभी पदाधिकारियों की कि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित करने का निर्णय लिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षक को हम आचार्य कहते हैं और आचार्य आचरण से बना है। तो एक शिक्षक को अपने आचरण के माध्यम से समाज में वो संदेश प्रेषित करना चाहिए कि वास्तव में युवा सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित होकर इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा सके। कौशल सारस्वत, मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा महानगर अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर श्रीमती वंदना शर्मा जी, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि ब्राह्मण समाज की कैसी हमारे बीच की बेटी ब्राह्मण समाज की तो नित नई बुलंदियों को हमेशा छूने की कोशिश करती हैं और सफलता प्राप्त हैं। तो समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उनको ये एहसास कराने के लिए, उनका सम्मान समाज में हमेशा ऐसे ही बढ़ाने के लिए, जिससे वो निरंतर सत्य के पथ पे संघर्ष करते हुए निरंतर नई बुलंदियों को प्राप्त करें, ऐसी हम सबकी आकांक्षा है। और इस कोविड के समय में हमने जो संभव हो सकता था, कम से कम संख्या में भी ये एहसास कराने की कोशिश की है, कम संख्या में भी आकर, कि पूरा समाज आपके साथ है, निरंतर आपकी सफलताओं को हम बिल्कुल हमेशा उसको वो करते हैं, नोटिस करते हैं, और आपको हमेशा समाज का आशीर्वाद और प्रभु से ऐसी कामना करते हैं कि निरंतर आप सफलताओं की बुलंदियों प्राप्त करें। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, वे एजुकेशन इज अ पैशन।